कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने एजेंटों के साथ की बैठक, चिटफंड चलाने वाले पर की जाएगी कार्रवाई। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस एवं पुलिस कप्तान शैलेंद्र सिंह चौहान ने आज कलेक्टर चैम्बर में एजेंटों की बैठक ली। बैठक में अपर कलेक्टर जेपी सैयाम, अतिरिक्त पुलिस कप्तान शैलेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरबूजे, एलडीएम, जिला कौशलय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने एजेंटों से कहा, एजेंटों ने कहा कि सारा इंडिया में लोगों का पैसा डिपॉजिट कराया गया था जिसको नहीं मिल रहा है। ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनके यहाँ लड़के या लड़कियों की शादी है और जिस व्यक्ति ने पैसा जमा किया है वे हम लोगों से पैसों की मांग कर रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि ऐसी कोई और जिले में चिटफंड कंपनी कार्य कर रही है तो उनकी जानकारी लिखित में दी जाए ताकि उन पर कार्रवाई समय रहते की जा सके। पुलिस कप्तान शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि सारा इंडिया में जिन लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया है और वे थाने में एफआईआर के लिए आते हैं तो उनकी एफआईआर लिखी जाती है। उन्होंने कहा कि जिले में अगर कोई चिटफंड कंपनी संचालित हो रही है तो उसकी भी जानकारी मुझे दें, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि 16 मार्च को एक बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें डीओ, सीएलआई व पोस्टमास्टर को बुलाया जाएगा और संस्थागत वित्त से कितने लोगों के द्वारा एजेंसी ली है उस संबंध में भी चर्चा की जाएगी। बैठक में एजेंटों के द्वारा बताया गया कि एलसीजेजे कंपनी के नाम से भिंड में एक चिटफंड कंपनी संचालित हो रही है जिस पर पुलिस अधीक्षक ने कहा उसकी जांच कराई जाएगी। शिक्षक कॉलोनी में सिलेंडरों का अवैध भंडार पकड़ा गया। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस के निर्देशन में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती ज्योति थानेश्वर, श्री अजय अस्टाना, राम बिहारी तोमर द्वारा गैस सिलेंडर के अवैध रूप से भंडार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। आज बाईपास रोड नासित भवन के सामने शिक्षक कॉलोनी भिंड स्थित श्री साई इंडियन गैस एजेंसी के कार्यालय के ठीक नीचे बने गोदाम की आकस्मिक जांच कराई गई जिसमें घरेलू सिलेंडर भरे हुए थे 12 एवं खाली 186, व्यावसायिक सिलेंडर 17 भरे हुए एवं 12 खाली तथा छोटे सिलेंडर 5 किलोग्राम वाले 57 भरे हुए एवं 41 खाली। जिस प्रकार कुल 387 सिलेंडर पकड़े गए। जिलापूर्ति अधिकारी एस के बासने ने बताया कि मौके पर उपस्थित गैस एजेंसी के ऑपरेटर श्री लवकुश शर्मा से उक्त भंडारे सिलेंडर के गोदाम के विस्फोटक लाइसेंस की मांग की गई, उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। गोदाम में सुरक्षा के उपाय जैसे अग्निशामक यंत्र, रेत की बाल्टियां, खतरे के बोर्ड एवं तार फेंसिंग आदि नहीं पाई गई। उक्त भंडारित स्थान रियासती आवासी वाले क्षेत्र में है जहाँ दुर्घटना होने पर बड़े जानमाल की हानि हो सकती है। गैस एजेंसी के संचालक सुरक्षा के उपाय जैसे अग्निशामक यंत्र, रेत की बाल्टियां, खतरे के बोर्ड स्तर पर नहीं थे का नाम अमित त्रिपाठी बताया गया है। संचालक द्वारा बिना वैध विस्फोटक लाइसेंस एवं बिना सुरक्षा उपाय किए गैस सिलेंडरों के भंडारण किया जो कि द्रवगत पेट्रोलियम गैस के प्रावधानों के विपरीत होते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। मौके पर समस्त सिलेंडर जब्त कर सूर्या गैस एजेंसी के संचालक की सुपुर्दगी में दिए गए तथा पारा में स्थित गैस एजेंसी के गोदाम को भी सील किया गया। प्रकरण में आगामी कार्रवाई की जा रही है। 5 दिवसीय निःशुल्क प्रबंधीय विकास कार्यक्रम 23 से 27 फरवरी तक। उपजल बहुत का हुआ निरीक्षण। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर प्रधान जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड के आदेश श्री सुनील टंडोतिया, जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड द्वारा उपजल गोहत का निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। विकास यात्रा का उद्देश्य जनहितैषी योजनाओं की जानकारी देकर उनसे पात्र हितग्राही को लाभान्वित करना। सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने आज नगर परिषद पूर्व के कई वार्डों में निकाली विकास यात्रा। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने आज नगर परिषद पूर्व में आयोजित विकास यात्रा में कई विकास कार्यों का लोकार्पण करने के साथ कई हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किया। उन्होंने विकास यात्रा के दौरान शासकीय हाई सेकेंडरी विद्यालय भवनपुरा में मां सरस्वती की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ विद्यालय में 19.36 लाख की लागत से निर्मित रक्त कक्षों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल भवनपुरा में पौधारोपण भी किया। नगर परिषद खूब में विकास यात्रा के दौरान जनता द्वारा सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। नगर परिषद पूर्व के वार्ड क्रमांक 8 में विकास यात्रा के दौरान स्थानीय रहवासियों द्वारा ट्रांसफर खराब होने की शिकायत की। इस पर सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों को तत्काल मौके पर आदेश कर ट्रांसफर को बदलवाया गया। सहकारिता मंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि विकास यात्रा का उद्देश्य जनहितैषी योजनाओं की जानकारी देकर उनसे पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करना है। उन्होंने कहा कि गरीबों को निःशुल्क इलाज आयुष्मान भारत निरामय योजना अंतर्गत मिल रहा है। 5 लाख रुपए
तक का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में भी आयुष्मान कार्ड धारकों से मिल रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत गरीबों के पक्के मकान बनाकर उनके सपनों को पूरा किया है। इसी तरह मुख्यमंत्री जी ने भी गाँव में बच्चों को चिंता की। उन्होंने हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले विद्यालयों कि मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में प्रारंभ हो सके इस हेतु प्रयास किए और आज मध्य प्रदेश में देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ हुई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने नगर परिषद भूप के वार्ड क्रमांक 2 में विकास यात्रा का उद्देश्य जनहितैषी योजनाओं की जानकारी भी दी। तमाम समाचारों को देखने व सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें।